जय श्री राम प्यारे भक्तों जिसको जिसको यह नंबर दिखाई देता है समझ लो परमात्मा उसके साथ है कौन सा वो नंबर है जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ये कमेंट दो बंदों का आया हुआ है उनको ग्यारह ग्यारह नंबर दिखाई देता है चाहे वो ग्यारह सिंगल एक बार ग्यारह दिखाई दे या ग्यारह 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 जितनी बार भी दिखाई दे हम पूरे के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा सबसे पहली बात तो ग्यारह का मतलब ये है कि आप अकेले नहीं हो एक और एक ग्यारह यानी कि एक के साथ एक और लगा दिया जाए तो ये संकेत इशारा करता है कि आपके साथ परमात्मा है यानी कि आप ने अपने आप को जो शरीर समझ रखा है वो आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो और आत्मा के साथ परमात्मा यानी कि वो जो दूसरा नंबर जुड़ गया एक के साथ एक यानी कि ग्यारह तो आत्मा के साथ परमात्मा है यही ये, ये ग्यारह नंबर इशारा करता है दो बार अगर एक एक है यानी कि ग्यारह तो आत्मा के साथ परमात्मा लेकिन कई बार एक एक एक-एक दिखाई देता है तो उसका मतलब ये है कि आत्मा और परमात्मा तो एक हो गए लेकिन उसके बाद आता है जो परम सर्वशक्तिमान है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है वो आपके साथ है अगर बार 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 एक एक दिखाई देता है तो आप और वो अनंत है इसीलिए आपको बार बार एक 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 दिखाई देता है तो पहले हम आपको ये बता दें केवल आप एक को जाने एक यानी कि खाली एक है तो एक का मतलब आप अपनी आत्मा अपने आपको शरीर ना माने अपनी आत्मा को जाने उसको जानने के बाद एक और जब जुड़ जाएगा तो यानी कि परमात्मा आत्मा के साथ जुड़ चुका है आप परमात्मा को पा चुके हो मतलब तो पहले आप आत्मा को जानो क्योंकि आप आत्मा ही हो और शरीर तो आपने मान रखा है और जब आप आत्मा को जान जाओगे तो एक और जुड़ जाएगा यानी कि परमात्मा आत्मा को जानने के बाद ही आप परमात्मा को जान पाओगे और जब आप परमात्मा को जान जाओगे तो उस अनंत को भी जान जाओगे क्योंकि आत्मा को जाने बगैर परमात्मा को नहीं जान सकते और परमात्मा को जाने बगैर उस अनंत को नहीं जान सकते जो कि परमात्मा अनंत है तो आप उसको जान जाओगे ये संकेत यही इशारा करता है कि आपके साथ परमात्मा है लेकिन परमात्मा जब होगा जब पहले आत्मा को जानोगे और आत्मा को जिस दिन जान जाओगे आत्मा सो परमात्मा उसी दिन परमात्मा को भी जान जाओगे और परमात्मा को जानते ही अनंत को जान जाओगे तो इससे बड़ी और क्या बात होगी वो तुम प्यारे भक्तों देखो आप कितने सौभाग्यशाली हो कितने धन्य हो कि भगवान आपको स्वयं संकेत दे दे रहे हैं किसी भाग्यवान को ही वो संकेत देते हैं लेकिन आम लोग आप सब इन संकेतों को ना समझ पाते हो ना ही कोई आपको इनका आध्यात्मिक उत्तर बताता है हम आपको आध्यात्मिक उत्तर ही बता रहे हैं लेकिन ग्यारह का मतलब कोई और अपने हिसाब से अलग बता देगा आपको लेकिन हम आध्यात्म से जुड़ा हुआ ही आपको उत्तर दे रहे हैं इन संकेतों को समझे और समझ लाभ उठाएं और जागो 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 और भगवान से जुड़ो और अपने आप को जानो और प्रभु से मिलो यही हमारा लक्ष्य है इसीलिए हमें चाहे कुछ मिले हम किसी चीज़ की इच्छा नहीं हमारी ना मान चाहिए ना धन चाहिए ना बढ़ाई चाहिए ना प्रतिष्ठा चाहिए हम इसीलिए आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं वीडियो के माध्यम से ताकि आप भगवान से जुड़ सके लाभ उठा सके तो हमारा वीडियो बनाने का सौ परसेंट उद्देश्य पूर्ण हो जाता है प्यारे भक्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बाकी प्यारे भक्तों अर्जी हमारी है मर्जी आपकी है मानना ना मानना अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जय श्री राम प्यारे भक्त